बर्तन मशीन पे जो रखा पूरा एक गिलास भर के। कितने गिलास? एक और भर खोल बस जरे से और आधे कर। बस यहाँ पी रही है हो मेरा चाय अपनी सेव के साथ। अभी ऐसी रख दो भाई जाके चूल्हे के पास। ओह क्या हुआ? हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हम दो। हमारे दो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चावल। ये मैंने चावल धो लिए हैं जो भिगोए थे उस टाइम पे, और मैं इन्हें बनाऊंगी कुकर में। ये हमारी आलू गोश्त की सब्जी बची हुई रखी थी तो हम इसी में ही चावल डालेंगे। थोड़ी सी सब्जी हम निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सब्जी है इस वजह से। हुसैन की चल रही है ऑनलाइन क्लास तो वो पढ़ाई कर रहा है अपनी। अभी मिलते हैं आपसे सब्जी निकालने के लिए। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ चावल और हमने आलू गोश्त की सब्जी डाल दी है जितनी भी हमें डाल ली थी। अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल। और आज वीडियो जो है हुमैरा बना रही है तो थोड़ी सी वो बन जाती है, मतलब उससे वो छोटी है ना, अभी ज्यादा बड़ी नहीं है। 7 साल की हूँ। 7 साल की है जी हुमैरा हमारी। थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। और हमारे गोश्त सब्जी में भी नमक था तो हम नमक कम ही डालेंगे। बस थोड़ा सा। और हमारा सब्जी में तेल भी था तो तेल भी बहुत हम कम डालेंगे। आप थोड़ा सा कम डालें। और हम इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमारा शोर हुआ भी था तो 1 गिलास काफी रहेगा। बस आप 1 गिलास डालिए पूरा भर के और फिर थोड़ा इसमें चला लेंगे। और अभी हम अजान हो जाएगी जब इसे पकने रखेंगे, अभी नहीं रखते। अभी मैं काट रही हूँ खीरा वो मेरा के लिए। ये पता नहीं खीरे कैसे आए हैं, मतलब देखने में तो सही है बिल्कुल, कुछ भी कमी नहीं है लेकिन खाते में बड़े कड़वे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खाएंगे इन्हें, फेंकेंगे नहीं। बहुत कड़वे, मैं तो खा लेती हूँ पूरे फ्रिज खा लेती हूँ। मैं खा लेती हूँ क्योंकि चीज पैसों की आती, फिर ये तो आती नहीं जो फेंक दे। अब थोड़ा सा लगता है कड़वा लेकिन कड़वी चीज सेहत के लिए बिल्कुल ठीक सही रहती है इस वजह से। ये देखिए कितना गंदा है, इसे घिस भी लो जब भी इसका कड़वापन नहीं जा रहा। अभी हो चुका है शाम का टाइम और अम्मी ने डिनर बना लिया है। और ये देखिए हमारे चावल बन गए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू थोड़ा धीरे धीरे से होगा, पानी ज्यादा डल गया हो, हल्का सा बिल्कुल। अच्छा हल्का सा डला है, थोड़े गीले गीले भी अच्छे लगते हैं। हाँ
खाऊंगा अभी, रुक जाओ। और यहाँ पे हमारा घी, चटनी, अचार और खीरा, देसी घी जो हमने बनाया था। वो मेरा को घी के साथ, वो दही के साथ ही खाना पसंद है ना मम्मी। ये घी हमारा जो बन देखू मैं चम्मच, उस दिन जो थोड़ा सा था ना उसी में से हमने ये घी निकाल लिया था। थोड़ी सी मलाई थी हमारे पास, होगी कम से कम एक आधा किलो मलाई शायद। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, हमें बना रही हैं डिनर की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ आलू चने की दाल के कबाब, और ये मैंने एक पाव दाल ली है जो मैंने रात भिगो दी थी क्योंकि मुझे सुबह ही बनाना था। तो ये मैं इसमें डालूंगी कुकर में। इसको मैंने एक बार फिर से धो लिया था। हाँ। ये मैंने आधा किलो आलू और एक प्याज ली है बड़ी सी, तो इसको भी मैं धो लूंगी। धोना बहुत जरूरी होता है, कीटाणु छूट जाते हैं, है ना। धोने के बाद इसे भी इसमें कुकर में डालेंगे। और बर्तनों को हाथों हाथ धो के रखते रहेंगे क्योंकि बर्तन अगर हाथों हाथ नहीं धो तो पूरा सिंक भर जाता है। और इसमें मैं डालूंगी लहसुन, ये हैं लहसुन के जवे जो मैंने पहले से ही छील के रख लिए थे। ज्यादा डाल देते हैं, एक लहसुन का जवा डाल दो, इतना बड़ा ना, इतना बड़ा एक लहसुन का जवा डाल दो। और मैं इसमें डालूंगी साबुत लाल मिर्चे अपने स्वाद अनुसार, मैं इतनी डाल दूंगी क्योंकि मैं हरी नहीं डालती, बच्चे नहीं खाते, मुंह में आती है इनके। देखिए, और इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाले में वैसे सारी चीजें डलती है पर मेरे पास जो है मैं वही डाल दूंगी। काली मिर्चे, इलायची, सफ़ेद इलायची, दालचीनी है नहीं, और अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट, अब थोड़ा सा पानी डालेंगी अम्मी। इसमें एक गिलास के करीबन पानी डालूंगी। इतना बड़ा गिलास है, अभी आगे आप दिखाता हूँ। देखिए इतना बड़ा गिलास है। और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं और डालूंगी क्योंकि मुझे कम लग रहा है। ये देखिए पानी, देखिए कुकर। और अब मैं इसे पकने रख दूंगी उबालने। इसमें सिर्फ चार सीटी लेंगे हम, हल्के चार सीटी में ये पक जाएगा। और गैस को इतना रखना है। तेज रखना है ना कम, सही रखना है मीडियम बस। और इन प्याजों को भी मैं काटूंगी क्योंकि ये भी हम जब वो पीसेंगे मसाला तो उसमें डालेंगे। तो ये देखिए हम लाए थे नए चॉपर, ये मैंने वीडियो में बहुत देखा था, बहुत सारी वीडियो आ रही थी इसकी, तो इसे यूज करो तो बहुत आसान होता है, तो मैं भी लेके ही आ गई।
लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज नहीं करा, अभी तक ऐसे पैक रखा है। आज इसका टाइम आया है, आज मैं इसको देखती हूँ मुहूर्त। और ये हमने पहले ही धो के रख दिया था, आप कभी सोचेंगे यूज धोया नहीं, लेकिन फिर भी फिलहाल अब चेक करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के काम करता है या नहीं। कितने डालो अभी, पहले इतनी डाल के देखो, है ना, अभी ना चले। बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वो तो भर लेती है ना। हाँ कोई बात नहीं, हो गया, लग गया। हाँ चल रहा नहीं चलेगा, चल रहा। वाकई में बहुत काम की चीज है। जब मैं कबाब वगैरह बनाती थी तो मुझे प्याज काटने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझसे कटती नहीं थी प्याज बारीक बारीक, लेकिन देखिए कितनी बारीक बारीक हो गई। इसका मतलब ये यूजफुल है ना, यूजफुल। तो अब ये भी डाल दो, डालो या तो कम निकाल लो, पहले निकाल लो, डाल लो, डाल दो। और अब हुसैन चला के देखेगा, और अगर हुसैन ने तोड़ दिया ये तो हुसैन गया। कसके पकड़, ज्यादा ही मत खींच, अंदर को तो करो, अंदर को भी जाना चाहिए नहीं। कितनी आसानी से प्याज कट गई, वरना घंटों तक काटते रहते थे। बस बस बस, तोड़ दिया तोड़ दिया, अब मैं करूंगी। हटो हटो हटो। तो ये देखिए हुसैन से सही से ताकत लगी नहीं थी, इसमें थोड़ी सी जान लगाने की जरूरत है। ये देखिए इतनी आसानी से कट गया, हो गया, बहुत बारीक हो गई ना। ये देखिए इतनी खुशी हो रही, मतलब इतनी डर डर के, मैं बहुत डर रही थी इसे लेने में, पता नहीं कैसा होगा, काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई चीज लिया हो ना तो हर मौसम जो बहुत गुस्सा करते हैं कि ये चीज लिया ही, ये चीज क्यों लाई, लेकिन मैं फिर भी डर डर के लेके आ गई और ये काम का निकला। कितना आसान से आसानी से प्याज कट गई, वरना घंटों तक काटती हूँ फिर भी बारीक नहीं कटती। उनको आदत होती है शेफ को, जिसलिए तो वो इतनी जल्दी जल्दी काट लेते हैं बारीक में। ये देखिए कितनी बारीक कट गई, और इसमें टमाटर, हरी मिर्चे, हरा धनिया कुछ भी आप चॉप कर सकते हैं। आप भी ला वो अगर आप लाना चाहते हैं तो। हाँ यूजफुल है बहुत, बस इसे ज्यादा नहीं, इसे इस तरीके से धो देंगे, इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, ये तो आसानी से धुल जाएगा। हाँ। गया। बस कई बस। और ये देखिए हमारा जो है चार सीटी में ये बन गया है इस तरीके का। और अगर फिर भी आपको पानी लगे ना इसमें, तो आप हल्की आंच पे इसे रख दें और इसे चलाएं नहीं, बस ऐसे हल्की आंच पे, धीमी आंच पे इसे रख दें, ताकि नीचे का पानी सूख जाए। और ये हमारी गल चुकी है, दाल भी ले ली है, दाल आलू हमारे सब गल गए। ये देखिए अच्छा, अब इसे हम पीस लेंगे सिल पे, हम तो सिल पे पीसते हैं, आप मिक्सी में चाहे पीस लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये ठंडा हो गया है मिक्सचर। और क्या नाम क्या, हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए अब मैं सिल पे पीस रही हूँ, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। यस हमें सिल का अच्छा लगता है पिसा हुआ, स्वाद आ जाता है। देखिए सब कुछ मिक्सचर जो है वो हो गया है मुलायम सॉफ्ट। और ये इस तरीके से ना आलू निकाल देंगे, क्योंकि आलू पिस जाते हैं ना तो बहुत चिपा चिप चिपचिपा सा हो जाता है। इसे आलू को इस तरीके से हाथ से बस फोड़ लेंगे हम,
और दाल दाल पीस लें, और दाल भी थोड़ी सी मोटी पीसनी है, बिल्कुल बारीक नहीं करनी। तो ये हरा धनिया और मैंने प्याज काट लिया था, ये बारीक वही चॉपर वाली प्याज है, और इन आलूओं को ना इस तरीके से हम तोड़ लेंगे हाथ से, फूलों वाली बड़ी लाओ, बड़ी बड़ी नहीं, जो बीच वाली, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, इस तरीके से हम तोड़ लेंगे इन्हें। देखिए मिक्स कर लेंगे हरा धनिया और मिर्ची के साथ, ओह सॉरी प्याज के साथ, मिर्ची कह दिया, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं पर मैं बच्चों की वजह से नहीं डालती। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे, तो ये देखिए अब हम इसमें हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से इतने से लेंगे, मिक्स हो गया, आइए हमारा इसको हम टिकिया बनाएंगे। इसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही अंडा, कोई और से भी दे सकते हैं ना। कबाब बन गए हैं और अब बस इन्हें तेल में हम फ्राई कर लेंगे, ये इस तरीके से, वो मेरा ही लेके चलो, और ये बचा हुआ मिक्सचर हम इसमें कर देंगे। अब हम जब भी बनाएंगे, जब भी हमें खाना होगा तभी हम एक आध टिकिया बनाएंगे और खा लेंगे, बाकी हम सब फ्रिज में उठा के रख देंगे। कैसे फ्रिज में रख दो, आप जब भी दिल चाहे आपका तभी आप निकालो, बनाओ और खा लो रोटी से। और अब हम इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।